नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन वंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में आए हुए मैसेज का जवाब देना चाहूँगा। मेरे पास मैसेज आया है ध्रुव राज जी का। इन्होंने लिखा है, वाई टेम्पल इज़ प्लेस ऑन साउथ ईस्ट वॉल, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज, रिकमेंडेबल, प्लीज़ गिव द रिवार्ड्स। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर सबसे अच्छा ईशान कोने में माना जाता है। ईशान कोने में बैठकर जब आप माला जपते हैं तो वो मंदिर ईशान कोण का सबसे अच्छा होता है। ध्यान लगाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का मंदिर सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आपके यहाँ ज्योत लंबे समय तक जलती है या अखंड ज्योत जलती है तो आपको अपना मंदिर ईशान कोने में नहीं बनाना चाहिए। वो मंदिर आपको ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट के बीच में जहाँ भी आपको स्पेस मिलता है वहाँ पर आप अपना मंदिर बना सकते हैं। भगवान तो कण कण में समाये हुए हैं, उनको कौन व्यक्ति स्थान दे सकता है, ये संभव नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी आस्था होती है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने घर में भगवान को स्थान दूँ। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है, आपके मंदिर में ज्योत ज़्यादा देर तक जलती है तो आपको अपना मंदिर ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट के बीच में बनाना चाहिए। यदि आप अपने यहाँ पर माला जपते हैं, ध्यान लगाते हैं तो वो मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट में जब आप अपना मंदिर बनाएं तो ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट के मंदिर का फर्श का लेवल कभी भी ऊंचा नहीं होना चाहिए। ना तो फर्श ऊंचा होना चाहिए, और जो भगवान का स्थान बनाते हैं बहुत सारी जगह देखने में आता है कि वहाँ पर एक ठोस प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है और उसके ऊपर भगवान को विराजमान कर दिया जाता है। जिस घर के अंदर इस प्रकार का ठोस प्लेटफॉर्म मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना दिया जाता है, बात मंदिर के लिए नहीं है, बात इस चीज़ की है कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, ठोस प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। जब भी ईशान कोने में नॉर्थ ईस्ट जोन में ठोस प्लेटफॉर्म बन जाता है तो वहाँ बेवजह के घर के अंदर झगड़े होने के कारण बनते हैं, परिवार में तनाव आता है। आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।